मजम्मत होनी चाहिए। आप मजम्मत करेंगी इन दहशतगर्द तंजीम? मैं मेरी मजम्मत करने से अगर ये मसला हल हो जाता है तो मैं मजम्मत करने के लिए तैयार हूँ, ठीक है ना। लेकिन आप जो है ना मजम्मत करने की उसके साथ साथ आप मुझे ये बताएं, ये मसला किसने क्रिएट किया? सबसे पहले ये मसला शुरुआत कहाँ से हुई? इंसर्जेंट तंजीमें बनी कैसे? कुव्वत का इस्तेमाल किसने किया? सबसे पहले फौज कशी किसने की 1971 में, ठीक है ना। लोगों को किसने मारा? बलूचिस्तान में जो आज ये सूरतयाल बनी है, ये बनाई किसने है? इन इफ एंड बट्स के बगैर आप दहशतगर्द तंजीमों की मजम्मत करती हैं, BLA हो, BRA हो, BLF हो, BNA हो, BNA तो अभी सरफराज बंगल से रियासत के सामने, तो आप इफ्स एंड बट्स के बगैर, मैं ये नहीं कह रही कि बलूचिस्तान में मिसिंग पर्सन का मामला नहीं है, लेकिन ये दहशतगर्द तंजीमें जब मासूम मजदूरों को कत्ल करती हैं, पंजाबी मजदूरों को कत्ल करती हैं, वो भी तो शहीद है ना, वो भी तो मिसिंग पर्सन हो जाते हैं अपनी फैमिलीज के लिए। देखिए ये मसला तो रियासत का है, आप ये सवाल मुझसे नहीं करें। देखिए आप लोग अगर साफ ही हैं और आप लोग अगर इस पोजीशन पे आए हैं, ये पोजीशन एक कॉम्प्लेक्स मसला है, ठीक है। मजदूर हैं, ये है वो है, ठीक है ना। मैं ये बोल रही हूँ कि बलूचिस्तान को सबसे पहले मेरा सवाल ये है, आप सबसे सवाल है, पाकिस्तान से मेरा सवाल है कि उसको जंग ज़दा किसने बनाया? जंग ज़दा बनाने वालों से सवाल किया जाए, ठीक है ना। बलूचिस्तान को जंग ज़दा बनाने वालों से सवाल किया जाए। तस्लीम करती है कि उससे गलती हुई, लेकिन रियासत उन गलतियों को अब दुरुस्त करने की बात करती है। कैसे दुरुस्त करने की बात करेगी? मासूम लोगों को मारकर? क्या एक वाला जिसको आपकी अदालत ने जो है ना साबित किया कि उसको रिमांड में डाला जाए, आपने उसको शहीद कर दिया, उसके लाश के साथ जो है ना ये तहरीक शुरू हुई कि रियासत अपनी गलतियां ठीक करना चाहती है। कैसे ठीक करेगी? आपसे बात करके, आपसे मोहब्बत के जरिए, मुज़ाकरात के जरिए, लेकिन जो बलूचिस्तान की दूसरी हकीकत दहशतगर्द तंजीमें हैं, उनकी मजम्मत वाज़ेह अल्फाज में तो होनी चाहिए। डॉक्टर महरम बलोच, मजम्मत करे, किससे मजम्मत करे? आप ये बताएं कि किस BLA को कंडेम करती हैं? मैं BLA को कंडेम करूं या नहीं करूं? सबसे पहले आप ये करती हैं या नहीं करती? प्लीज प्लीज प्लीज, अगर आप बहस करना चाहती हैं, मुबासा करना चाहती हैं, सवाल कर रही हूं आपसे, मैं आपसे ये सवाल कर रही हूं, सबसे पहले आप BLA के बनने से पहले अपने रियासत की जिब्र को कंडेम करती हैं? मैं मेरा सवाल आपसे ये है कि आप बलूचिस्तान में जितनी भी नस्ल कुशी हो रही है आप उसको कंडेम करती हैं? क्या 97 में जो बलूचों को मारा गया वो उसको आप कंडेम करती है? जो औरतों को मारा गया, जो बूढ़ों को मारा गया, आप क्या आप उसको कंडेम करती है? रियासत ने जो भी गलतियां की वो गलतियां की, नहीं थी वो गलतियां, तो रियासत ने खुद उन गलतियों को तस्लीम किया, वो जारी तस्लीम नहीं किया है। आप कह रही हैं कि तस्लीम नहीं है, तस्लीम नहीं किया है। मुझे बतौर सहाफी बलूचिस्तान का दूसरा रुख भी दिखाना है जो कि दहशतगर्द तंजीमों का है। मुझे डॉक्टर महरंग बलोच से उनकी मजम्मत नहीं मिल रही, मुझे डॉक्टर महरंग बलोच से उन पंजाबी मजदूरों के लिए हिमायत, उन पंजाबी मजदूरों के लिए एहतजाज, उन पंजाबी मजदूरों के लिए लॉन्ग मार्च नजर नहीं आ रहा। सबसे पहले मेरा सवाल ये आपसे ये बनता है, देखें मैं आपको ये कह चुकी हूँ, ये एक पुरअमन तहरीक है, हम किसी भी वायलेंस को सपोर्ट नहीं करते हैं, ठीक है। हमारा सवाल आपसे ये है कि अगर आप इस तहरीक को सपोर्ट करना चाहते हैं, अब अगर आप चाहते हैं कि वाकई में इस रियासत में जो है ना मसले हल हो जाए, तो आपको जेन्युइन क्वेश्चंस करने चाहिए, जेन्युइन यही क्वेश्चंस आपको रियासत से भी करने चाहिए। मजम्मत करते हैं, नहीं, हम अपने प्रोग्राम्स में रियासत से भी यही सवाल करते हैं। अगर आपने बलूचिस्तान के मसले